हेलो गाइज, आप देख रहे हो क्रिकेट विशाल। आज बहुत डिमांडिंग टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत मेरे भाई क्वेश्चन पूछ रहे थे कि फास्ट बॉलिंग में पेस कैसे इंक्रीज होगा, तो आज इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको। और फास्ट बॉलिंग में हाइट कितना मैटर करती है, हमारी मसल बॉडी बिल्डिंग वाली मसल होनी चाहिए फास्ट बॉलिंग में, उससे पेस निकलता है, किस चीज़ से पेस निकलता है, मैं आज आपको पूरा बताऊँगा। तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी बिगिनर्स जो पेस अपना इंक्रीज़ करना चाहते हैं या फास्ट बॉलिंग डाल रहे हैं, बहुत साल से फास्ट बॉलिंग डालते हैं, पेस अभी उनका इंक्रीज नहीं हुआ है, तो मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं हाइट कितना मैटर करती है फास्ट बॉलिंग में। गाइज, अगर फास्ट बॉलिंग में हाइट, लंबे बॉलर ज़्यादा तेज बॉल फेंकते तो ईशान शर्मा और मोहम्मद इरफान जो पाकिस्तान के बॉलर हैं, सबसे तेज बॉलर होते हैं, उनका नॉर्मल पेस है जितना सबका होता है 145, जितना फास्ट बॉलर्स का होता है, मतलब नॉर्मल का मतलब फास्ट बॉलर्स का होता है। उनका जैसे शोएब अख्तर का पेस था या ब्रेटली का पेस था 160, उन्होंने टच नहीं किया है। तो हाइट मैटर कहाँ करता है, हाइट मैटर करता है बस आपके बाउंस में। अगर आपका हाइट अच्छा है तो आपको बाउंस अच्छा मिलेगा, पेस में हाइट मैटर नहीं करता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बॉलर सोचते हैं कि मेरा हाइट नहीं है, मैं फास्ट बॉल फेंक सकता हूँ या नहीं फेंक सकता। आप फास्ट बॉल फेंक सकते हैं, आपका हाइट उसमें कोई मैटर नहीं करता है, आपको बाउंस कम मिलेगा, हाइट वहाँ पे मैटर करता है। तो ये दिमाग से बात निकाल दो कि हाइट की वजह से आप फास्ट बॉल नहीं फेंक सकते हो। दूसरा, मैं आपको बता दूँ, बॉडी बिल्डर जिनका मसल बड़ा होता है वो फास्ट बॉल फेंक सकते हैं। गाइस, ऐसा भी कुछ नहीं, जिनका मसल बड़ा होगा वो फास्ट बॉल फेंकेंगे। आप नवदीप सैनी ले सकते हैं, छोटा छोटा मसल है पर मसल में स्ट्रेंथ है, उनके अच्छा बॉल फेंकते हैं। और आप रसल को ले सकते हैं, रसल से तेज बॉल फेंकते हैं नवदीप सैनी, क्योंकि रसल स्ट्रेंथ, उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ है, मसल बड़ा है। तो ऐसा भी कोई कारण नहीं है कि आपका मसल अगर बड़ा होगा तो आप फास्ट बॉल फेंक सकते हैं। तो गाइज, अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा पेस बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। सबसे पहले रनअप सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर रनअप आप अच्छा लोगे तो आगे बॉल फास्ट जब भी फेंक सकते हो। अगर रनअप आपका ख़राब है, पहले ही आप बड़े बड़े कदम से स्टार्ट करते हो तो आगे आपका पावर नहीं लगेगा। तो सबसे पहले रनअप देख लीजिए, मैंने कौन लगाया। अगर आपकी रनअप में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप रनअप सही करना है आपको। आप देख लीजिए ऐसे कौन लगे हैं, और सिंपल आपको छोटे कदम से पहले स्टार्ट करना है ऐसे। हमेशा आपको बड़े कदम नहीं लेने, हमेशा छोटे कदम लेने हैं। जैसे ये कौन लगाए, लास्ट में मैं आपको करके दिखा दूंगा दो बार ये ड्रिल कैसे करते हैं। स्टार्टिंग में छोटे कौन लगाए हुए हैं, आपको भी हमेशा छोटे कौन लगाने हैं स्टार्टिंग में जब आप ड्रिल करोगे। रनअप बहुत इंपॉर्टेंट है रनअप के लिए, इसलिए मैंने आपके लिए कौन लगा के दिखाएंगे, लास्ट में करके भी दिखाऊंगा। अब रनअप के आगे चलते हैं। रनअप के आगे आपको जब आप जंप लेते हो उसके बाद का आपका कैसे, वो क्योंकि मेन है सबसे, वहाँ पर अगर आप पावर लगाओगे तो आपका पेस ज़्यादा निकलेगा, बहुत अच्छा निकलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। रनअप के बाद गाइज आपको देखना है आपका एक्शन साइड ऑन है या फ्रंट ऑन है या सेमी साइड ऑन है, वो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि पावर उसके बाद ही लगेगा। आपको अपना एक्शन ही नहीं पता तो आप पावर नहीं लगा सकते, बॉडी में इंजरी होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मैं बता दूं आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपका जंप के बाद आप जंप लेते हो उसके बाद वाला पैर अगर सीधा ऐसे पड़ रहा है, अगर साइड ऑन पड़ रहा है तो आपका पैर, आपका एक्शन साइड ऑन है, ये बात ध्यान रखो, ऐसे पड़ रहा है अगर ये, और अगर आपका पैर सीधा पड़ रहा है तो फ्रंट ऑन एक्शन है आपका, फिर चेस्ट ओपन रहेगा। अगर सेमी, जैसे डेली स्टेन है उनका सेमी पड़ता है तो वो साइड ऑन ही मान सकते हैं आप। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आप अपना एक्शन पता करो पहले। ये लैंड आप जंप लेते हैं ना, जंप लिया और उसके बाद वाला जो ये पैर है, ये अगर साइड ऑन है तो आपका एक्शन साइड ऑन है, ये पता करना है। साइड ऑन है तो आपको ऐसे देखना है, यहाँ से फ्रंट ऑन है तो ऐसे देखना है। आपने ये पता कर लिया कि आपका एक्शन क्या है, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस, उसके बाद वहीं पे पावर लगाना है आपको। अगर साइड ऑन है तो पावर आपको यहाँ से लगाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ जंप के बाद आप कितना पावर लगा रहे हो बॉल में। जंप के बाद अगर आप ज़्यादा पावर लगा रहे हो पेस ज़्यादा निकलेगा, आम स्पीड आपकी तेज है, पावर ज़्यादा लगा रहे हो तो पेस ज़्यादा, क्योंकि खेल सब यहीं पे होता है, रनअप के बाद वाला खेल है, क्योंकि सारी पावर ही, क्योंकि रनअप बुमराह का भी छोटा ही है और आर्चर का भी छोटा है, फिर पेस 145 निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है उनका काम, आम स्पीड उनका तेज है बहुत, और उनको पता है उनका फ्रंट ऑन जिसका एक्शन है फ्रंट ऑन, जिसका साइड ऑन है साइड ऑन। तो यहाँ पे आपको पता करना है, उसके बाद आपका साइड ऑन है तो आपको यहाँ से देखना है और पावर लगाना है। नॉन बोलिंग आर्म जो होता है ना, आपको पूरा नीचे डालना है, अच्छे से नीचे डालना है। अगर आपने पहले इसको नीचे छोड़ दिया या ऐसे हो गया, फिर आपकी बॉडी पहले ऐसे डल जाएगी, पावर आपकी सारी बॉडी आपके साथ नहीं है, फिर कैसे पेस निकलेगा। सबसे ज़रूरी ये है, आप इसको डालना है और साथ में नीचे आएगा ये, और ज़्यादा पावर निकलेगी। और हमेशा क्या बॉलर्स क्या करते हैं, उनका घुटना ऐसे बैंड हो जाता है, ये वाला यहाँ पे, इसको आपको कोशिश ट्राई करना है कि ऐसे लॉक करना है, जैसे साइड ऑन है तो ऐसे लॉक रहेगा और फिर ऐसे उठेगा, यहाँ से ये वाला लेग सामने आएगा, यहाँ पे लॉक होके ये वाला लेग सामने आएगा,
इसकी मैंने ड्रिल भी बनाई हुई, आई बटन पे लिंक दे दूंगा, ड्रिल भी बताई हुई, ड्रिल कर सकते हैं आप जाके। पर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इसको आपको नीचे डालना है, और आपको सब बोल सब बताते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है वो बोलते हैं ऐसे नीचे लाना है इसको, ऐसे आपको ऐसे नीचे लाना है, इसको आपको खोल के नीचे लाना है ऐसे, और बॉडी रोल भी करनी है। कुछ बोलर क्या होते हैं, खड़े होकर बोल डाल देते हैं, ऐसे खड़े ही रहते हैं, आपको बॉडी रोल करनी है, आपको अच्छा पेस मिलेगा उससे, बाउंस भी अच्छा मिलेगा जब आप बॉडी रोल करोगे। अगर बॉडी रोल नहीं होगी, खड़े होकर बोल डालोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। और अपना हमेशा पोस्चर भी बना के रखना है। कुछ बॉलर्स ऐसे हो जाते हैं ऐसे, वो ड्रिल करो आप बार बार ऐसे, उनका पेस कभी नहीं निकलेगा। आपको सामने बैंड करनी है, ये ध्यान रखना है, और पीछे से पैर लॉक हो गए, ये वाला पैर भी आपका आगे आएगा, ये भी आपका 5 पॉइंट पेस बढ़ाता है। ये बातें बहुत बेसिक बातें हैं, ध्यान देनी है आपको, और ये सब सही करने के लिए आपको ड्रिल करना पड़ेगा। ड्रिल के बाद आपका सही होगा। आप वीडियो बना के देखें कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद ड्रिल करें। ड्रिल के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले। और मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी आर्म स्पीड, अगर आपकी आर्म स्पीड स्लो है ना, तो कभी भी आप तेज बॉल नहीं फेंक सकते। आप बड़े से बड़ा बॉलर ले लो, आर्म स्पीड सबकी फास्ट है। नॉन बॉलिंग आप जितना तेज आप ये नीचे डालोगे ना, उतना तेज आपका बॉलिंग आर्म आएगा। और नॉन बॉलिंग डालते हो सबसे ज़्यादा, नॉन बॉलिंग आप नीचे डालते हो सबसे ज़्यादा, बॉलर गलती क्या कर देते हैं, वो अपनी बॉडी भी डाल देते हैं साथ में, ऐसे डाल देते हैं, वो तेज डालेंगे बॉडी भी डल जाएगी। आपको बॉडी नहीं डालनी, बॉडी आपको होल्ड करके ना नॉन बॉलिंग आर्म पूरा नीचे लाना है, और साथ में पीछे से फिर बॉलिंग आर्म भी आएगा। दोनों ये तेज आ गए ना आपके, आपका गारंटेड बोल रहा हूँ, आप नेट में ट्राई करो, 5 पॉइंट पेस बढ़ेगा अगर ये आप ट्राई करोगे। बॉलिंग आर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि बुमराह देख लो, आर्चर देख लो, बॉलिंग आर्म से ही, नॉन बॉलिंग आर्म आर्म स्पीड से ही पेस निकालते हैं। तो आर्म स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर ट्राई करो अपनी बॉलिंग में। और थोड़ा आपको पता चल गया होगा फास्ट बॉलिंग का पेस कैसे इंक्रीज होता है। तो ये वीडियो आप लाइक करो, और कमेंट करके बताओ मुझे कि आपको क्या अच्छा लगा वीडियो से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अच्छा अच्छा वीडियो आएगा बैट्समैन के लिए भी और बॉलर्स के लिए भी। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, सेम अकाउंट है, क्रिकेट विद विशाल।